मैं रेणुका शर्मा, देश और दुनिया की सभी खबरें चंद मिनटों में, तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। प्रियंका गांधी वाराणसी से कर सकती हैं अपने चुनावी अभियान की शुरुआत। तेजस्वी यादव ने प्रियंका गांधी को दी बधाई, कहा राहुल ने अच्छा फैसला लिया, स्वागत करते हैं सब। देशद्रोह मामले में पुलिस और आप सरकार में खींचातानी, कन्हैया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में होगी देरी। तोगाड़िया ने किया पार्टी बनाने का ऐलान, कहा सरकार बनी तो एक हफ्ते में शुरू होगा राम मंदिर निर्माण। शिवसेना से रिश्ते सुधारने की कवायद शुरू, फडणवीस सरकार ने बाल ठाकरे के स्मारक के लिए 100 करोड़ की मंजूरी दे दी है। सबरीमला मंदिर में दाखिल होकर इतिहास रचने वाली कनक दुर्गा को घर से बाहर निकाला था पहले सास ने और अब फिर पिटाई और बाहर निकालने का मामला फिर से। बंगाल दौरे पे गए अमित शाह की तबीयत बिगड़ी, झारग्राम में रैली में शामिल हुए बगैर ही लौटना पड़ा दिल्ली। राज्य समर्थकों के बुंदेलखंड निर्माण मोर्चे के नेतृत्व में सीजेएम कोर्ट पर केंद्र सरकार को कुंभकर्ण बताकर बड़ा प्रदर्शन किया गया। गोंडा के वास्ता पहाड़ मंदिर के प्रांगण में जनसंपर्क पदयात्रा का शुभारंभ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कुंजी बस्ती के प्रांगण में 7वां परिवर्तन सभा का एक आयोजन किया गया। रांची पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चितरपुर से सैकड़ों लोग जन शक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने में जुट चुके हैं। गुमला के न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार करने के विरोध में अधिवक्ताओं ने न्यायालय कार्य का बहिष्कार किया। धनबाद में चाल धसने से 6 मजदूर की मौत और कई घायल, एक का शव भी बरामद हुआ। गुजरात दंगा नरोदा पार्टी मामले में 4 को बेल, सुप्रीम कोर्ट ने माना सिर्फ घटना स्थल पर मौजूदगी के आधार पर मिली थी सजा। डीजल की कीमतों में लगातार 13 दिन बाद भी बढ़ोतरी जारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, कहा जाता है इस महिला से लगा बैठे थे दिल और उसके लिए लिखा था विशेष खत भी। लोकसभा चुनाव से पहले आपका बड़ा ऐलान, मौजूदा विधायक मंत्री को नहीं मिलेगा टिकट। उत्तर प्रदेश में करोड़पति कस्टम अधिकारी निकला सॉल्वर गैंग का सरगना, एसटीएफ ने किया अरेस्ट। आम चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला, प्रियंका गांधी को बनाया यूपी का महासचिव। यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी के नेताओं का अहम खुलासा। अगर ईएम ठीक से काम करती है तो जापान जैसे विकसित देश क्यों नहीं इसका उपयोग करते हैं, अखिलेश यादव ने पूछा बड़ा सवाल। कोटा का मुख्यालय से सभागार के प्रमुख की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला की शादी से पैदा बच्चे को सभी कानूनन अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। लाल किले में बोस संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। प्रियंका गांधी की एंट्री पर बीजेपी का तंज, पात्रा बोले राहुल गांधी की नाकामियों का आधिकारिक ऐलान भी हो चुका है। भोपाल में बुराड़ी कांड, बंद घर में मिली 4 लाशें, एक की हालत गंभीर। 26 जनवरी को भारत दिखाएगा दुनिया को अपनी ताकत, इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री, बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर साधा परिवारवाद का निशाना। स्मृति ईरानी का विपक्ष पर तंज, कहा जीवन भर एक दूसरे का विरोध करने वाले मोदी के डर से साथ साथ नजर आने लगे हैं। बीजेपी शिवसेना के बीच चल रहा है खेल, कहीं दिखे साथ तो कहीं साधा निशाना। कोंडरामा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण पर जल्दी फैसला करेगी सरकार, गहलोत का फैसला। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।